हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं नेहा दमायास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको VLCC नेचुरल साइंस ब्रांड के डिटेन प्लस वाइट ग्लो मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये बॉडी लोशन आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को किस तरीके से फायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस इन सबके बारे में। तो गाइस यदि आप अपनी त्वचा की रूखी सूखेपन से परेशान हैं, त्वचा को सूरज से आने वाली हार्मफुल विकिरणों से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर अपनी त्वचा को गहराई से पोषण देना चाहते हैं, मॉइस्चराइजिंग बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं VLCC नेचुरल साइंस ब्रांड के डिटेन प्लस व्हाइट ग्लो मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन के बारे में, जो कि गाइस SPF 30 PA++++ है, जो न केवल आपकी त्वचा को मॉइस्चराइजिंग बनाता है, न केवल आपकी त्वचा को ग्लोइंग बनाएगा, बल्कि ये आपकी त्वचा को सूरज से आने वाली हार्मफुल विकिरणों से भी प्रोटेक्ट करता है, त्वचा को ब्राइट बनाता है, मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने में भी मदद करता है, स्किन की टैनिंग को दूर करने का काम करेगा और आपकी त्वचा को काफी स्मूथ बनाने में मदद करेगा। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसके अंदर गाइस किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है जो आपके स्किन को कोई नुकसान पहुंचाए, जैसे कि पैराबीन और सिलिकॉन बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं अपनी स्किन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर है एलोवेरा, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, ब्राइट बनाने में भी मदद करता है। खासतौर से ये बॉडी लोशन जो है गाइज वो ड्राई स्किन और रफ स्किन वालों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और भी इंग्रेडिएंट है, ऑलमंड, एलोवेरा, कोको बटर है। प्राइस की बात करें तो 350 ml की पैकेजिंग गाइस आपको 194 रुपए में मिलेगी, जिसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे आप इसको वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसको वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, तो अगर आप चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखें गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा याद रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। वैसे तो गाइज ये बॉडी लोशन आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन बाई चांस इस बॉडी लोशन को लगाने के बाद आपको कोई भी एलर्जी फील हो रही हो, रैशेज फील हो रही हो, खुजली लग रही हो, तो उसी टाइम इसे इस्तेमाल में लेना बंद कर दें और डॉक्टर से आप कंसल्ट जरूर करें। अफोर्डेबल प्राइस है गाइस, तो आज ही मार्केट से परचेज कर लीजिए या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अपनी स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई और रूखी सूखी हो जाती है, और सर्दियां तो वैसे भी गाइस आ ही चुकी हैं। ये आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। सो गाइस आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस अगर आपको इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी जाननी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपकी सहायता जरूर करेंगे। सो गाइस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।